वंदे मातरम। ईपीएस पेंशन होल्डर्स, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बहुत बड़ी आपके लिए पेंशन को लेकर एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी ज़्यादा रकम और आपको ब्याज भी बढ़कर मिलेगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले, तो वीडियो का आखिर तक आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप इसी चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ऐसे ही आपको ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी तमाम छोटी से बड़ी खबर इसी चैनल पर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ईपीएफओ के पास दावा नहीं की जमा राशि 58,000 करोड़ रुपए और इसका कुछ हिस्सा ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करने पर शनिवार को ईपीएफओ बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। ईपीएफओ के पास जो दावा की गई जमा राशि है उसे, यानी कि शनिवार को ईपीएफओ बोर्ड बैठक करेगा, उसके बाद पेंशन धारकों को यह इनकी राशि ट्रांसफर करेगा। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने जो प्राइवेट सेक्टर के काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के जो मूल वेतन पर 15,000 रुपए का भी वर्तमान में कैप लगा रखा है, आपको बता देते जो आपकी वर्तमान में अभी सैलरी लिमिट 15,000 रुपए, उसी के अनुसार आपकी जो पेंशन की गणना की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कैप है जो 15,000 रुपए का हटाया जाएगा और आपकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए की बजाय 20,000 रुपए पर भी होगी। यानी कि इस तरह ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ी बिग अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है ईपीएफओ की तरफ से।